राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा 2024 के बारे में। आइए जानते हैं, ज्येष्ठ महीने में गंगा जी की पूजा अचूक मानी जाती है, क्योंकि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा पहली बार पृथ्वी पर आई थी। इस दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान पूजा में गंगा जल का प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल गंगा दशहरा 2024 की डेट क्या है और पूजा मुहूर्त इस दिन का महत्व क्या है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 रविवार को है। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के गंभीर धुल जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। गंगा दशहरा 2024 शुभ मुहूर्त कब है? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को प्रातः 2:32 पर शुरू होगी और अगले दिन 17 जून 2024 को प्रातः 4:43 पर समाप्त होगी। हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा 15 जून 2024 और सुबह 8:14 में हस्त नक्षत्र समाप्त होगा। 16 जून 2024 और सुबह 11:13 को व्यतिपात योग प्रारंभ। 14 जून 2024 रात 7:08 व्यतिपात योग समाप्त। 15 जून 2024 रात 8:11 गंगा दशहरा महत्व क्या है? आइए जानते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मां गंगा हस्त नक्षत्र व्यतिपात योग घर करण आनंद योग में ही शिव की जटाओं से पृथ्वी पर उतरी थीं। इसीलिए हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य पूर्णत सफल माने जाते हैं। गंगा दशहरा का दिन मोक्षदायिनी गंगा माता का पूजन, पितरों को तारने, पुत्र पौत्र और अनिच्छित फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन 10 चीजें अन्न जल फल वस्त्र सुहाग सामग्री घी नमक तेल शक्कर और स्वर्ण दान देना चाहिए। गंगा दशहरा पूजा विधि गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा में स्नान का विधान है। अगर नदी स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दौरान ओम नमो गंगाये विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः मंत्र का जाप करें। गंगा दशहरा पर नदी किनारे पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, इससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। गंगा दशहरा कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ के तप से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने भगीरथ को मन चाहा वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में उन्होंने मां गंगा को मांग लिया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि मां गंगा का वेग और भार ये पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी, सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसके बाद गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया गया। शिव जी ने उनकी विनती स्वीकार की। इसके बाद गंगा दशहरा पर भोलेनाथ ने अपनी एक जटा खोली और गंगा जी हिमालय ये होती हुई पृथ्वी पर आ गईं।